हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिस्टर दिनेश पवार चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी भाई बहन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सुबह का 9 बज रहा है, इसलिए हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। देखिए पूजा जी खड़ी है और मेथी की भाजी बनाने वाले हैं आज। तो रोटी तो बन गई है और कल हम कोरट में गए थे, वो भी थोड़ा बताएंगे। पर देखिए पूजा जी मेथी की भाजी बना रही है, तो आज मेथी की भाजी बनाएंगे बहुत अच्छी से। हमें बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा, देखिएगा थोड़ा। तो क्या हुआ था कि फ्रेंड्स, कल हमारा कोरट का तारीख था ना, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए सॉरी चाहते हैं। हम लाइव में बता दिए थे थोड़ा। तो हम कोरट में गए थे ना, तो क्या हुआ था कि पुराना केस था एक्सीडेंट का, प्रकाश भाई की वाइफ जो थी उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका केस है ना, मैंने मेरे ऊपर लिया था। तो क्या हुआ था कि मतलब वो इमा होती है, कुछ मिलता है बोले, तो इसलिए वो पुराना केस था, मतलब 2016-17 का केस था शायद, हाँ उस टाइम का। तो अभी उनका समन से आया था, तो इसके लिए हम कोर्ट में गए थे प्रकाश भाई और मैं। तो उसका हमने तारीख किया और रिटर्न आ गए थे। तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए सॉरी चाहते हैं। पर देखिए पूजा जी रोटी बन गई है, अभी भाजी बनाने वाले हैं। और तारिणी तो सुबह में यहीं पर थी, यहाँ से खेल कर चली गई है, थोड़ा खेल रही थी यहाँ पर। पर उसकी बहन भाई जो है उसकी माँ लखानी के पास में चली गई है। आपको तो पता ही है लखानी के साथ में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ है और वो नाराज होकर रूठ कर उनके मायके चली गई हैं। तो क्या मालूम आएगी, कब आएगी कब नहीं। बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे हैं उनको लाइए बुलाइए। हम अगर वहाँ गए लेने के लिए तो लड़ाई का संभव है, मतलब लड़ाई हो जाएगी, तो इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। पर थोड़ा ठंडा वातावरण हो गया तो ज़रूर जाएंगे, अगर जल्दी नहीं आई तो देखेंगे। पर अभी क्या होता है, क्या भाजी बनाते हैं। और पूजा जी के तो 2 दिन बकरियां चरा कर रिकामी हो गई है। मैं तो 2 दिन भी चरा लिया है, पर वो अभी सुबह में आई थी और बोल रही थी, बोले वो चरा रहा था उसके पास ही और लगा ले बोले, ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब जिनके साथ में पहले बकरियां चरा रहे थे वो लोग, उनके साथ में थोड़ा कुछ बातचीत मतलब झगड़ा बिगड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया था चराना, तो उनका झगड़ा सोल्व हो गया है और अभी उन्हीं के साथ में उनके बकरे लगा दे रहे हैं। तो इसलिए पूजा जी ही कुछ जाने वाली है चराने के लिए अपना घर का बकरिया। तो देखिए मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इसे तो आप दोस्त जानते होंगे, पर दिनेश जी और प्रकाश भैया बम्बई के लिए गए थे, तो वो शाम को मैंने की थी भाजी, तो तब से दिनेश जी बोल रहे थे कि वो भाजी करो, बोले भाजी करो। तो कल सुबह नहीं शाम को वो बेचने वाला आया था खोरी का, तो दिखी तो मैंने ले लिए भाजी, कि दिनेश कायम बोलता है कि वो भाजी करो भाजी करो। अब ये भाजी अच्छी लगती है बोले दिनेश को, और प्रकाश भैया भी बोल रहा था कि वो भाजी करना बोले दीदी, ऐसा प्रकाश भैया ने बोला था। पर अभी आएगी कि नहीं आएगी वो तो पता नहीं। में बहुत अच्छा लगता है ये मेथी का भाजी, प्रकाश भैया को बुलाएंगे बनाने के बाद में खाने के लिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो चैनल है उसका प्रोसेस चल रहा है, पर क्या मालूम लॉगिन नहीं हो रहा है। हमारा भी करेंगे, हमारा जो चैनल है शिवम लड़के ने मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर दिया था ना, तो वो चैनल लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो उसका भी
ईमेल उस पर हम ईमेल भेजेंगे, क्या करना होगा क्या नहीं, तो शायद हमारा हो सके। पर अभी मानो देखो, पहले तो हम ये ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे, उसमें शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, शॉर्ट वीडियो ही पोस्ट किया था, तो 17-18 शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था ना, तो अच्छे वहाँ पर सब्सक्राइबर जल्दी हो गए थे, कुछ 40-45 हज़ार से ऊपर हो गए हैं। पूजा लखानी पवार चैनल, ये तो अपना नया बनाया है मिस्टर दिनेश पवार यूट्यूब चैनल, ये तो इस पर अभी थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा है, मतलब 17-17.5 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ है। तो आप सभी भाई बहन हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, उसका मैं रिप्लाई डेली करता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होती है। कई दोस्त भाई बहन जो है पूजा जी को बहुत पसंद करते हैं, और वो पूजा जी अच्छी है ऐसे बहुत बोलते हैं, और लखानी जी ज़्यादा मतलब आप सभी भाई बहनों को पसंद नहीं आ रही, मतलब हमारा स्टोरी आपने देखा है तो वो भी अच्छी है, पर रहने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, पर क्या मालूम उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था उसके साथ में, तो उनके माँ बाप उसको लेकर चले गए हैं, तो तारिणी जो है वो तो आती जाती रहती है, यहीं पर सोती है, पर अभी चली गई है उधर, आएगी। शतरानी भी आई थी एक दिन, दो तीन बार आई थी, पर अभी नहीं आ रही है, क्या मालूम। चलो कोई नहीं, मेथी की भाजी बनाते हैं। देखिए तवा चढ़ा दिया है, इसमें ही बनाएंगे भाजी। देखिए टमाटर धो रहे हैं, टमाटर भी डालेगी भाजी में। लहसुन छिल रही है, परसों से पानी नहीं आया है फ्रेंड्स नल, आज तो बिना नहाए धोए ही बस हाथ मुंह धोया हूँ, पानी नहीं आया है। देखिए खुला है, और ये अपना कालू बकरा, इसे देखने आ रहे हैं लोग। आज भी आया था एक आदमी, पूछ रहा था बेचने का है कि नहीं, हमने बोला बेचेंगे, पर सही से अगर उनका कीमत मिलेगा तो बेचेंगे, तो ठीक है बोले, मैं देखूंगा बोले, किसी को ऐसा बोलता था वो। ये राशन नहीं लाया था उस दिन, गए थे हम नंदुरबार, पर कपड़े लेते लेते ही उधर अंधेरा पड़ गया था, तो इसलिए वो राशन नहीं लिया था, पर हम जाकर खोरी को जाकर ले लेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है। Thank you.
अभी थोड़ा सा समय जाने के बाद उसको दोबारा पलट पल बाजी को ऐसा ये करेंगे, झाँक कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे साफ सफाई कर लेंगे। रोटी तो बन गई है, आप देख सकते हो रोटी बन गई। इसे साफ सफाई करके फिर अभी खाना खाएंगे और आगे कुछ करते हैं। प्रकाश भाई को कॉल किया अभी मैंने, आ रहा है खाने के लिए। बहुत अच्छा हमको पसंद होता है ये भाजी मेथी का। देखिए गाइस, प्रकाश भाई आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी फेवरेट आज ना दोस्तों सब्जी बनाई है, मतलब मेथी की जो भाजी बोलते हैं ना, मेथी की सब्जी बनाई, वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो हम दिनेश भाई और मैं मुंबई जा रहे थे उस दिन पे बनाई थी, तो हमें इतना अच्छा लगा खाने में, तो मैंने फिर पूजा दी को बोला था कि ये दोबारा से बनाना और खाने के लिए मुझे फोन करके बुला लेना। तो जैसे बनी दिनेश भाई ने मुझे कॉल कर दिया, और घर पे तो यार सॉरी पर घर पे ना खाली रोटी बनी थी, उसमें सब्जी वगैरह कुछ नहीं था, की वजह से फिर बिल्कुल सही टाइम पे दिनेश भाई ने कॉल कर दिया, तो मैं खाने के लिए आ गया हूँ। तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो अभी हमारा खाना परोस के रेडी हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से हम कुछ बात बताना चाहते हैं दिनेश भाई के चैनल के थ्रू। दोस्तों हमारा जो किंग क्वीन विलेज चैनल है ना, उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे हम लीगल तरीके से गए, गूगल ऑफिस गए, वहीं से तो कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया, हमें खुला बोल दिया कि कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। तो हम कहाँ जाएंगे कोर्ट का ऑर्डर लेने, क्योंकि पुलिस लोगों ने जांच ही नहीं किया अभी तक उस चीज़ का। तो ये वजह से फिर हमें हमारे लक से अच्छे दोस्त मिले इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो थे बेंगलुरु गूगल ऑफिस में इंजीनियर। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कुछ डिटेल्स दो अगर विश्वास है तो। फिर देखो दोस्तों, जो बोलता है ना डूबते को तिनके का सहारा, ये बात मैं फॉलो करता हूँ। तो हमारे पास तो रास्ता ही नहीं बचा था, और मान लो कि वो काम नहीं भी करूँगा, उनको डिटेल भी नहीं दूंगा, तो वो चैनल तो चला ही गया है मान लो। तो मैंने सोचा कि चला ही गया तो अभी रिस्क लेके तो देखते, दे देते हैं उनके पास में डिटेल। उनके पास डिटेल दिया तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा आया। उन्होंने बोला कि 8 दिन तक आप कुछ भी मेल के साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया ज़्यादा मरतबा ट्राई करने के वजह से। तो अभी मैं जो भी हूँ मेरी कोशिश करता हूँ, अगर कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगा बड़ी लिंक्स लगा के, मतलब उनके जो सीनियर अधिकारी रहे होंगे बेंगलुरु ऑफिस में, उनसे कांटेक्ट करके चैनल को वापस लाने की कोशिश करूँगा। तो बस यहाँ तक सीन पहुँचा है, आगे और क्या होगा दिनेश भाई के चैनल के थ्रू ही आपको जानकारी दे देंगे। तो आ जाओ, देखो हमारा खाना आ चुका है, हमारा फेवरेट सब्जी। तो आप भी खाओ यार, मजे करो, हमारा विलेज का यही लाइफ है। बराबर,
तो आइए फ्रेंड्स खाइए हमारे साथ में मेथी का भाजी। फ्रेंड्स खाते हैं। मैंने तो शुरू कर दिया। आइए फ्रेंड्स। तो गैस हो गया है हमारा खाना, बहुत अच्छा बना था भाजी मेथी का। तो बस आज के लिए इतना ही, कल और नया खाना वगैरह कुछ लेकर आएंगे और क्या क्या होता है क्या नहीं, आगे बने रहिए हमारे चैनल में। बस मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, राम राम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।